Hello and welcome everyone to Unacademy CAD for MBA channel. Today we are going to learn a new trick, square root of any number. जी हाँ, square root किसी भी number का आप calculate कर सकते हैं इस trick से. चलिए सीखते हैं. मैंने एक random number लिया से 76. अब ये 76 के ठीक पहले perfect square कौन सा आता है? वो आता है 64. इसका होता है वो 8 का. 9 का आता है 81. So 76 इन दोनों के बीच में है, ये बात हमें पता है. अब मैं क्या करूंगा, जो छोटे वाला नंबर है उसको यहां पे ले लूंगा, 8 ले लिया. इसके बाद मैंने एक पॉइंट लगा दिया. अब क्या करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 लिखो न्यूमरेटर में और 64 और 81 के बीच का डिफरेंस यानी 17 लिखो डिनोमिनेटर. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 8.71. कैलकुलेटर उठाओ और चेक करो, यही आंसर आएगा. ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं 275 के लिए मुझे पता है 256 होता है 16 का और 17 का होता है 289. वही ट्रिक लगानी है. 16 मैंने लिया यहां पे, इसके बाद लगा दिया पॉइंट, पॉइंट के बाद इन दोनों का डिफरेंस लिया 19 और नीचे लिया इन दोनों का यानी 33. आपका आंसर आएगा 16.58. चेक करो, आंसर यही आएगा. चलिए, अच्छा ऐसा नहीं कि दो डिजिट या तीन डिजिट ही, चार डिजिट का भी आंसर हम निकाल सकते हैं. वो ले लेता हूं मैं 1, 0, 4 और 9. ठीक है, रैंडम नंबर. 1024 होता है 32 का स्क्वायर, ये बात हमें पता है. 33 का होता है 1089. वही ट्रिक लगानी है. 32 यहां पे लिया, पॉइंट लगाया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 25. नीचे इन दोनों के डिफरेंस का होता है 65. आपका आंसर आएगा 32.39. जी हाँ, कैलकुलेटर पे चेक कर लिए, आंसर यही आएंगे. अगर आंसर सही है और ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स में बताना कि ट्रिक कैसी लगी, और ऐसे ट्रिक सीखनी है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ. अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. यहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे मिलेंगे ताकि आपकी एमबीए एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाए. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर ट्रिक अच्छी लगी तो. कमेंट्स में बताइएगा और कोई ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हो तो. तब तक के लिए बाय बाय.